पूरे उत्तर भारत में फिर से ठंड लौट आई है। पहाड़ों पर लगातार जारी बर्फबारी और बारिश के चलते दिल्ली NCR समेत मैदानी इलाकों में भी ठंड महसूस की गई। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को बारिश और पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई, लेकिन आज यानी कि गुरुवार को दिल्ली NCR में धूप निकलने से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन चल रही ठंडी हवाओं के चलते धूप का ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। उधर उत्तर भारत में कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 21 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। ट्रेनें 2 से 7 घंटे देरी से चल रही है। हालांकि दिल्ली में कोहरा ना के बराबर है, इसलिए उड़ानों पर कोई असर नहीं पड़ा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में दिल्ली NCR के लोगों को एक बार फिर ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को बारिश के आसार नहीं है, लेकिन बादल छाए रहेंगे। इसके बाद 13 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना है। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बर्फबारी और बुधवार को दिन भर रुक रुक कर हुई बारिश के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इन सब के बीच ये अच्छा हुआ कि बारिश की वजह से लगातार बढ़ रही प्रदूषण की मात्रा में कमी दर्ज की गई है। जान लें कि हिमाचल प्रदेश में बुधवार को ताजा बर्फबारी के बाद 8 जिलों में 4 फीट तक बर्फ जम गई है। बर्फबारी के कारण 588 सड़कों को बंद करना पड़ा। प्रदेश में 2436 बिजली सप्लाई लाइन भी बाधित हुई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर्यावरण पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।